नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल पर, जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक, जहां हम बात करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट से जुड़ी हुई हर एक समस्या और के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में, हर एक प्रॉब्लम के बारे में। आज की प्रॉब्लम कुछ खास है दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम है जो हर इंसान जो जानता है वो भी जानना चाहता है और जो नहीं जानता है वो भी जानना चाहता है। ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो नए सीख रहे हैं उनकी बात ही छोड़ दो, जो पुराने लोग हैं ना वो भी उस चीज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त, इंजेक्टर से वैक्यूम कैसे बनता है। इस मामले पर हर सभी के दिल में ये प्रश्न होता है, यार इंजेक्टर से वैक्यूम आखिर बनता कैसे है ना। तो इसके लिए ये प्रश्न जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजेक्टर से वैक्यूम कैसे बनता है, आज का ये वीडियो आपकी सोच में एक ऐसी चीज डाल देगा कि आपको कभी भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त अगर सॉल्वेंट टेक से आप जुड़े हैं ना, मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, आप पूछते जाइए मैं बताते जाऊंगा, और जब मैं भूल जाऊं आप मुझे याद दिलाते जाइए बस कि ये चीज़ बची है इसके बारे में कुछ बता दीजिए, ठीक है। हालांकि अभी समय तो बहुत हो गया है, रात को 2 बजने वाला है, क्या करें, जो मन में चीज है उसे उतारना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का वीडियो। हम समझते हैं कि वैक्यूम आखिर बनता कैसे है, और उसके लिए समझने के लिए, बताने के लिए कि हम कैसे, तो हमें उसका एक इंजेक्टर अभी यहाँ उत्पन्न करना पड़ेगा भाई। एक बनाते हैं तभी वो चीज़ हमारी समझ में आएगी। चलिए थोड़ा सा स्क्रैच बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर बनाएंगे नहीं तो वो भाई साहब आपको समझ में आवेगी नहीं। ये बन गया इंजेक्टर, क्या बन गया इंजेक्टर। इसमें जो है, अब हम सबसे पहली चीजें क्या है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा नोजल, ये हमारा नोजल है, ठीक है। ये जो एरिया है, ये वाली इधर ही अगर हम देखा जाए तो इधर से ही हमारा आइटम जुड़ा रहता है। वैक्यूम कहां बनता है, इधर साइड में, इधर बनता है वैक्यूम। पीछे से हम क्या देते हैं, स्टीम प्रेशर, ठीक। ये नोजल है, यहां से हम प्रेशर देते हैं। अच्छा एक चीज है, अगर हम एक चीज ले लें, इसमें सब चीज जान लीजिए। देखिए एक चीज आपने देखा, इसकी बनावट पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बनावट पे हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा इंजेक्टर जो होता है यहां तक थोड़ा सा डाउन होता है, फिर उसके बाद फिर वापस फैल जाता है, ठीक है। तो जो अब यहां पर जो सिस्टम है, इसका सिस्टम समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो इसका सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो यहां तक है, यहां तक इसको बोलते हैं कन्वेंसिंग
आउटलेट नोजल, कन्वेंसिंग आउटलेट, कन्वेंसिंग आउटलेट नोजल, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, इधर का जो एरिया है ये है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग आउटलेट एरिया, ये क्या है कन्वेंसिंग आउटलेट और ये क्या है डाइवर्जिंग आउटलेट। चिंता मत करिए, मैं आपको हिंदी में ही सब बताऊंगा। मैं इसलिए आपको ये सब लिख रहा हूं क्योंकि आप कहीं भी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बताएगा वो यही, हम लोग इसीलिए समझ नहीं पाते ना यार, हमको प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम जो बताता है वो समझ नहीं पाता कि ये क्या बता रहा है। इसके बाद में जो जो ये बीच में दबा हुआ है ना, इसका एक अलग नाम है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजल थ्रोट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजल थ्रोट। ये क्या है, जो बीच में जो कोन जैसा दबा हुआ है इसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूजल थ्रोट। ये क्या है, कन्वेंसिंग आउटलेट नोजल, ये क्या है डाइवर्जन आउटलेट नोजल। आउटलेट कैसे, स्टीम यहां से दे रहे हैं, यहां से आउट ही तो होना है स्टीम को, इसलिए आउटलेट नोजल। अच्छा, अब हम समझते हैं कि वैक्यूम आखिर बनता, क्रिएट कैसे होता है, तैयार कैसे होता है इसके बारे में। जैसे कि यहां से नोजल है तो प्रॉब्लम, जैसे हम कभी, हम या आप कभी भी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, क्या करते हैं ट्रेन में सफर करते हैं, उसके लिए हमें स्टेशन पे भी जाना पड़ता है। तो जब हम स्टेशन पे होते हैं, तो आप या हम, ये चीज बहुत इजी वे से समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। सब लोग स्टेशन पे खड़े होते हैं और मान लो हमारी ट्रेन नहीं आई, कोई दूसरी ट्रेन आई, वो रुकनी नहीं थी, सीधे चली गई। तो आपने वहां पर एक चीज देखी होगी, गौर किया होगा कि जब वो ट्रेन निकली स्पीड के साथ में, तो एकदम से बड़ा हवा का गुबार, एकदम से ऐसा बड़ी तेजी से पूरा बाल हिल गए, पूरा एकदम भड़बड़ 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 पूरा, मतलब हम हवा की एक स्पीड, ना तो कोई बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जब ट्रेन नहीं आई थी तो हवा तो बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी, लेकिन जब ट्रेन वहाँ से गुजरी तो उसके साथ में बहुत सारी ट्रेन हवा एकदम से लगी। तो वो हवा कहाँ थी, वो जो हवा हमें महसूस हुई, वो जो हवा थी वो थी कहाँ थी, तो वहीं ना जहाँ हम लोग थे, लेकिन पहले मालूम नहीं पड़ रही थी, लेकिन अगर ट्रेन निकली उसके साथ में पता चल गया कि यहाँ पे इतनी तेज हवा लगी जोर से। तो अब बात को समझिए कि जब जैसे वैक्यूम जहां हम बना रहे हैं, जैसे मतलब कोई हम अगर पूछ लें कि हम इस कमरे में हैं, यहाँ क्या क्या भरा हुआ है, सारी चीजें हैं, यहाँ टीवी है, ये है, ये है, ब्लैक बोर्ड भी है अपना, ये है, हम खुद हैं इसके अंदर ही तो हैं, सोफा है, ये सब कुछ है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ऐसी संसार में कोई जगह नहीं है जहां पे वो नहीं है, हवा। क्या इसके अलावा क्या नहीं, क्या है, खाली जैसे कटोरी रखी है कोई, खाली उसमें कुछ रखा नहीं है, या गिलास खाली रखा है, तो क्या वो खाली है भाई, कोई हमारी मतलब की चीज नहीं है लेकिन खाली कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हवा तो भरी है ना, क्या भरा है, हवा भरी है। तो जैसे हम यहां वैक्यूम बना रहे हैं, या यहां पर, हर जगह क्या है, हवा तो भरी है, तो जो खाली जमा लो गिलास है हमारे पास, ये अब ये क्या खाली है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हवा। अब कोई चीज हम भरेंगे इसमें तो इसकी हवा खाली हो जाएगी, है ना। जब ट्रेन वहां से निकली थी, तो तेजी से हवा एकदम से महसूस हुई, उसके पहले नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये कि जब गति से कोई चीज निकलती है, प्रेशर के साथ निकलती है, तो वो अपने आसपास जो नॉर्मल
तरीके से जो गैस या हवा इकट्ठा है, हवा भी तो एक गैस ही है, हवा में जो हम बोलते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ले तो हम हवा ही लेते हैं ना, लेकिन वो है गैसें हैं, वो ऐसी गैसें हैं जो कंडेंस नहीं होती है, ठीक है। तो एक बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ दिमाग में आप सब लोग डाल लीजिए कि हम वैक्यूम क्या बनाते हैं, वो एक ऐसी गैसें हैं जो कंडेंस नहीं होती है, तो कंडेंसर के अंदर, लेकिन वो कंडेंस तो होती नहीं है, वो अंदर भरी रहती हैं, तो उनको जब हम निगेटिविटी में खींच लेते हैं तो एक ताकत बन जाती है, उसी को हम वैक्यूम कहते हैं। चलिए, तो अब ये ग्लास है, इसका मतलब ये खाली नहीं है, इसके अंदर हवा भरा हुआ है, तो जब कोई चीज़ इसमें भरते हैं तो वो हवा बाहर हो जाती है, निकल जाती है। अगर उसको रोक ले तो हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छे से वो हो गया तो पंप फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं देखो एयर लॉक तो नहीं हो गया, मतलब हवा को निकलने की जगह नहीं मिली, इसलिए वो आगे दबाव नहीं, मतलब कोई भी ताकत हवा की ताकत से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो अगर एयर लॉक हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, जो हमने क्या समझा, जब ट्रेन गुजरी तो जो तेजी से प्रेशर मतलब गति से जब कोई चीज जाती है तो आसपास की एयर उसकी ओर आकर्षित होती है, उसकी ओर जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर नोजल लगा है, नोजल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वेग को गति को बढ़ा रहे हैं, ताकत दे रहे हैं और ज्यादा, क्या दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। मैं इसलिए ऐसी सरल भाषा में बता रहा हूं आपको समझ में आ जाए, नोजल जैसे पानी हम किसी पाइप से कहीं डाल रहे होते हैं नॉर्मल, तो उसमें उतना फोर्स नहीं होता, लेकिन अगर उसके मुंह को दबा लिया जाए, थोड़ा सा खोला जाए, तो वो दूर गिरने लगता है, मतलब उसको ताकत उसकी बन जाती है। अब नोजल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और जब हम ताकत के जरिए यहां पर हमने स्टीम का फ्लो किया, जब हमने यहां पर फ्लो किया तो जो ये लाइन हमारी इससे जुड़ी हुई थी, जो इसकी एयर थी उसकी ओर आकर्षित हुई और यहां पर आकर के इसके साथ मिल गई, और हम इनने इसको क्या किया, आगे की तरफ फ्लो कर दिया, इधर की तरफ फ्लो कर दिया। तो क्या हुआ कि इधर की जो एयर हम खींच खींच के, मतलब उधर प्रेशर से वो उधर की तरफ फेंक दिया उसने, तो हमारा इधर क्या हो, मतलब इधर की जो एयर थी वो उधर हो गई, तो उसमें माइनस में ताकत हो गई, उसी को हम वैक्यूम कहते हैं। जो इधर की एयर थी उसको उसने खींच करके आगे की तरफ फ्लो कर दिया, इस प्रेशर की वजह से, इसमें जो हम स्टील का प्रेशर दे रहे होते हैं, उसने फ्लो किया, जब इतनी तेजी से नोजल लगा है ना, वो इतनी तेजी से जब फ्लो किया तो इधर वाली जो एयर थी हमारी उसको उसने अपनी तरफ खींच लिया। जैसा कि हम ट्रेन जाते हुए देखते हैं कि पहले हमें हवा नहीं पता चलती, जैसे वो जाती है स्पीड से तो एकदम से तेजी से हवा एकदम से आती है, जो आसपास हमारे इकट्ठी रहती है हवा वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, वैसे ही इस नोजल के द्वारा प्रेशर से जब हम मारते हैं तो जो जिस जहां पे हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, बनाना है, वो लाइन उसकी साइड में इस तरीके से जुड़ी रहती है, उसका एयर का मतलब जो उसके अंदर एयर है, हवा अनकंडेंसर जो मतलब गैसें हैं वो एकदम खींच जाती हैं, तो उसके अंदर एक ताकत तैयार हो जाती है माइनस वाली, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम। समझ में आई बात, अभी देखिए इसको जैसे बोलते हैं कन्वर्जिंग आउट लेट नोजल। अब हमने स्टीम यहां का फ्लो किया, कन्वर्जिंग माने क्या होता है, देखिए हम इंग्लिश में सब बताते चले जा रहे हैं, ये कन्वर्जिंग आउटलेट है, ये डाइवर्जिंग आउटलेट एयर है, और ये डिफ्यूजल थ्रोट है, ये सारी बातें छोड़ दो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज मतलब बोलते नहीं, कन्वर्ट कर देना है ना, कन्वर्जिंग मतलब मिक्सिंग एक तरीके का। यहां पर क्या होता है, जो हमारा प्रेशर है उसके साथ जो गैसें हैं उनको मिक्सिंग किया गया, मिक्स हो जाती है यहाँ पर, तभी तो इस फोर्स के साथ में यहाँ जाते हैं, यहाँ के बाद में वो फिर डाइवर्जिंग हो जाती है, मतलब वो अलग अलग फिर हो जाती है, जब अलग अलग हो जाएगी मतलब यहाँ मिक्स हो रही है, यहाँ मिक्स हो रही है, यहाँ अलग अलग हो जा रही है, यहाँ के बाद में फिर ये अलग अलग होने लगती है, अलग अलग हो जाएंगी। ताकत की जरूरत हमें यहाँ से, यहाँ के बाद में एकदम वैक्यूम, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया इस फोर्स की वजह से, है ना, इस फोर्स की वजह से, इस नोजल से जो हम ताकत दे रहे थे तो उसको ताकत देकर के हमने यहाँ पर मतलब उसको इतनी ताकत सुपरसोनिक उसकी मतलब स्पीड से बिल्कुल भयंकर ताकत
इतनी तेज एयर की ताकत बन गई कि जो साइड वाला लाइन जुड़ा था उसकी वो पूरी एयर को उसने हवा को अपनी तरफ खींच लिया और साथ में अपने लेके चली गई, है ना। जब तेजी से कोई बगल से कर देता है सन से एकदम से, तो आदमी गिर भी जाता है कभी कभी तेजी से हवा के दबाव से, है ना। तो ऐसा ही है, वो अपनी तरफ खींच ले गई, तो इधर एक माइनॉरिटी माइनस में एक ताकत क्रिएट हो गई, उसी को हम वैक्यूम कहते हैं। इसके फोर्स से ये डाइवर्जिंग एयर जो है इसके बारे में देखो मैं बताता हूं। ये हो गया हमारा मिलना, अगर हिंदी में अगर लिख दूं तो ज्यादा सही रहेगा, मिलना जो हमारा फोर्स के साथ में जो हमारी एयर को मिक्सिंग हुआ, और ये होता है मिलने के बाद में फैलना। ये हो गया फैलना, इतने एरिया में मिलेगी उसके बाद जैसे चौड़ाई बढ़ जाएगी तो फिर फैलेगी, ठीक है। तो उसमें फोर्स और वो गैस अलग अलग थोड़ा सा हो जाती है, उसके बाद हम उसको यहाँ से डबल यूज करने के लिए उसको किसी ऐसी आइटम में दे देते हैं जहाँ पर हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो हम उसमें दे दिए तो उसमें टेम्परेचर भी मिलता रहता है। अगर ऐसी जरूरत नहीं है तो उसको वापस कंडेंसर या कहीं पर दे दिए जहाँ पर उसको ठंडा कर लेते हैं। बस यही एक तरीका है वैक्यूम बनाने का, जो कि इंजेक्टर के द्वारा। अगर हमें कहीं भी वैक्यूम की जरूरत है, अगर हमें कहीं वैक्यूम बनाने की जरूरत है, कहीं काम की वैक्यूम की जरूरत है, तो सबसे सिर्फ दो तरीकों से वैक्यूम बनाया जाता है। एक नंबर होता है कौन सा, वैक्यूम पंप। दूसरे नंबर पर होता है इंजेक्टर। आज फैशन में आ गया इंजेक्टर, वैक्यूम पंप पुराना हो गया, वैक्यूम पंप बहुत कम लोग लगाते हैं। उसका रीजन क्यों, क्योंकि उसमें खर्चे कुछ ज्यादा है वैक्यूम पंप में। इसमें इंजेक्टर में उतने खर्चे नहीं, बस स्टीम का प्रेशर देना है हमारा क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम। इसमें वैक्यूम पंप में 20-25 HP की मोटर चलती थी, बहुत सारा सिस्टम जो है लगातार मोटर चलेगी जिससे वैक्यूम टूटेगा तो चल जाएगी। इसमें क्या है, फ्लो चल रहा है, जैसे हमारा जितना चाहिए जितने के नोजल की क्षमता है उस हिसाब से हमारा वैक्यूम वो बनाएगा। मान लो हमें अगर कहीं 400 वैक्यूम चाहिए तो हमें उस हिसाब से नोजल लेना पड़ेगा कि जो हमें 400 वैक्यूम की ताकत दे, उतनी हम मतलब उसमें वैक्यूम क्रिएट कर पाएंगे। तो समझ में आ गया आपको वैक्यूम कैसे बनता है। ये जो इधर की एयर है खींच करके ये फेसेस के द्वारा आगे फ्लो कर देता है, तो जो इधर है हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ये हमारा कंडेंसर जुड़ी होती है, ठीक। अब इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, कहां पे अभी कंफ्यूजन रह गई, अब मैं क्वेश्चन अपने प्रश्न जरूर लिखें, और अगर आपको मेरी बात में कहीं भी जरा से भी कुछ समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद में चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त,